जय हिंद साथियों, आज जो हम BTU बोर्ड से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। जितने भी हमारे डिप्लोमा फार्मेसी भाई हैं उनके लिए एक बिग अपडेट आया है। क्या? BTU बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है अभी कल ही, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि देखिए, ये हम ऑफिशियल साइट पर BTU बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर पहुँच चुके हैं और स्क्रॉल करके अब जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक नोटिस मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ एकदम से सब कुछ एकदम आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिख रखा उसे आप ध्यान से देखिए, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लिखा सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा 2023 सम्मिलित छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र के संबंधी कुछ सूचना है। ठीक है, ये एक पहली सूचना है जिस पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक करके देखते हैं। और इसका एक दूसरा सूचना नीचे दिएगा, आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा और यानी जो बैक पेपर है उसमें आप जो भी छात्र छात्राएं अपना फ़ोटो यदि भूल गए हैं अपडेट करना, यदि आपको फ़ोटो चेंज करना है या कोई सिग्नेचर में कोई गलती है या कोई यानी डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई अदर चीज़ आपका क्या हो गया, यदि आवेदन में कोई गलती हुई तो यहां से आपका एक आखिरी सुधारने का मौका है। यदि अब नहीं सुधारेंगे तो आप क्या करेंगे, परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। ठीक, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप पहले सिग्नेचर, जितना भी सिग्नेचर इस पर क्लिक करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, यहाँ पर हम आप ओपन करके आपको दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, लिखा है, देखिए कह दिया, ये जो है ये किसके द्वारा, 26/5/2023, मतलब यह 26/5/2023 को जो नोटिस जारी की गई थी और इस पर अपडेट हुआ BTU बोर्ड के 28 तारीख को, मतलब 28 तारीख को इस पर नोटिस जारी की गई है। इसमें क्या कहा गया इसे ध्यान से सुनिए क्या कह रखे हैं। ठीक है, देखिए, यानी कृपया अवगत कराना है कि परिषद के आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर सप्लीमेंट्री और विशेष बैक पेपर जून माह में अवगत होना है। मतलब जो भी परीक्षा होगा वो क्या होने वाला, जून माह में जो आपका क्या होता है एग्जाम होने वाला, वार्षिक परीक्षा होने वाला है, कुछ सेमेस्टर परीक्षा होने वाला है, उसमें यदि देखिए कर दिया, यानी संस्था द्वारा परिषद में प्राप्त आवेदन ईमेल द्वारा अवगत करा यानी कराया गया है कि कुछ छात्र छात्राओं के वितरण, जैसे जेंडर, मान लेते हैं क्या भूल से आप मेल अथवा फीमेल में कन्फ्यूजन के, जेंडर कैटेगरी जन्मतिथि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए हैं। ठीक, दोबारा सुनिए, जेंडर कैटेगरी क्या, जेंडर कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि ईमेल आईडी फ़ोन नंबर सिग्नेचर यदि गलत अपडेट कर दिए हैं तो उन्हें क्या करिए, एक आखिरी मौका दिया गया है तो क्या करें, उपयुक्त छात्र छात्राओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के वितरण, जैसे जेंडर कैटेगरी जन्मतिथि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फोटो सिग्नेचर आदि, मतलब किसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं, इतना चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, अपना नाम और पिता का नाम और माता को नाम को छोड़कर इसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक, यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो संस्था स्वयं अपने स्तर पर संबंधित छात्र छात्राओं को डाटा में संस्था लॉगिन करके अपडेट फोटो सिग्नेचर अदर स्टूडेंट डिटेल को क्या कर लिंक के द्वारा उसे संशोधित करके सुनिश्चित करें। ये आप अपने कॉलेज पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, पूछिएगा कि मतलब यानी फोटो हो गया सिग्नेचर हो गया अदर डिटेल आपका सही है कि नहीं, एक बार आप जरूर मैच कराइएगा। यदि उसमें आप मैच नहीं कराएंगे कोई भी गलती रहेगी तो कोई भी सुधारने का मौका आपको दिया नहीं जाएगा। अब जो भी एग्ज़ाम इसका होगा उससे एग्ज़ाम से क्या कर दिया जाएगा, आपको वंचित कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, ये अपडेट क्या होगा, BTU बोर्ड के द्वारा यानी जो वेबसाइट है btuup.ac.in पे जाके क्या कर सकते हैं, संस्था ओपन कर दी है जिसे 28/5/2023 से लेकर 3/6/2023 के बीच में उपलब्ध कराया गया है। अब इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, यदि कोई भी आप में त्रुटियां हैं, यदि फोटो संबंधी सिग्नेचर संबंधी जेंडर संबंधी डेट ऑफ बर्थ मोबाइल वगैरह कुछ भी संबंधी आपको यदि डाउट है तो यहां से जाके आप इसे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, क्या क्लियर कर सकते हैं। ठीक, इसमें ये था। अब यहां से देखिए क्या दिया, छात्र छात्राओं के यानी देखो अतः आपसे यानी अंतिम अवसर प्रदान कर यानी करते हुए निर्देश यानी किया जाता है कि संबंध में छात्र छात्राओं के संशोधित उप समय अवधि, मतलब जो समय अवधि दी गई उसमें ही पूर्ण करना सुनिश्चित है। साथ ही संशोधित किए गए छात्र छात्राओं के वितरण के अनुसार
परिषद द्वारा प्रवेश पत्र वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन फॉर्म, अंक यानी अंक पत्र, डिप्लोमा पत्र निर्गत किए जाएंगे जिसमें किसी भी यानी प्रकार के संशोधन भविष्य में किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। उपयुक्त समावधि के तत्पश्चात दशा में यानी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद उत्तरदायी कोई भी नहीं रह रखा। यहाँ पर उन्होंने देखो साइन कर भी रखा आर एफ खान सचिव जी ने। ठीक, तो आप जल्दी जाइए, आप ना क्या करिए, जितना भी आपका संशोधन वगैरह करना तो वहाँ पर जाके इजिली आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा उद्देश्य था बताने का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। कोई भी टॉपिक यदि आएगा, ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।